अच्छे लग रहे हैं ना मम्मी ये साड़ी? हाँ अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। मम्मी ही बोल रहे हैं थैंक यू। मम्मी को यही साड़ी गिफ्ट किए थे जो कि मम्मी पहन भी ली, तो कैसा लग रहा है ये साड़ी? में हमें राखी बंद गया मेरे कलाई पे, और कैसा लग रहा है? ये है मेरा पुराना घर जो कि यहाँ पे अंकल आंटी और दादाजी लोग रहते हैं, और देख सकते हो ये घर, और यहीं पे हम लोग का जो मतलब खेती होता है, और क्या बोलूँ मैं। और मैं आया यहाँ पे पूजा करने, तो मैं दादाजी को खाया तो दादाजी आ रहे हैं यहीं पे बजरंगबली का पूजा करना है। और अभी चलिए मैं जाके वहाँ पूजा करते हुए टाइम दिखाते हैं, और उसके बाद मैं घर जाऊंगा, राखी बंधवाऊंगा, उसके बाद मैं निकलूंगा। आपको लोग को तो पता है कि मैं कहीं एक ट्रिप है जो कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, हम मैं एक दोस्त और है, दो जन जा रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला गाइस, ब्लॉग पर बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें, बस सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट का भूखा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। प्यार इतना मिल रहा है ना कि बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ। चलिए इसका कोई शब्द नहीं है कि मैं इजहार करूँ कि मुझे ऐसा मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार कर रहे हो, तो इसी तरह प्यार करते रहो, और अच्छा अच्छा ब्लॉगिंग मैं लाते रहूँगा, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अभी मैं जाता हूँ पूजा करने, उसके बाद मैं जाऊँगा घर, राखी बंधवाऊँगा, उसके बाद मैं निकलूँगा कहीं के लिए। सो बाय। ये मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा। क्या? हाँ मैं यहाँ पे मुन्ना के नाम से जाना जाता हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही है मुन्ना। और देख सकते हो घर, मतलब सबसे पुराना घर यही है, और मैं यहाँ पे काफी दिन रहा हूँ गाइस, मजाक नहीं, ठीक है। और अपने अंकल से मिलवाते हैं आपको। चाचा इधर आइए, अभी मिलवाते हैं, आ रहे हैं। सबसे पुराना घर यही है, यहाँ पे मैं काफी टाइम रहा हूँ, और ये हमारे सबसे छोटे वाले अंकल, और ये यहाँ पे रहते हैं, और एक और अंकल है मंझले अंकल हमारे, वो भी यहाँ पे रहते हैं। सो इनका कुछ बोलिए चाचा। ठीक है। कुछ नहीं बोल रहे, पता नहीं क्यों। इसमें पानी है, कैसा पानी? पता नहीं। तो अभी चलते हैं पूजा करके आते हैं, दिन दिखाते हैं आप लोग को। तो ब्लॉग पे ऐसे ही बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है गाइस। सो मिलते हैं कुछ ही देर में। ले चुका है। तो मैं निकल गया हूँ, और बस दादाजी आगे जा रहे हैं, देख सकते हो ये मेरा गांव कैसा लगा गाइस, देख सकते हो सब। और ये सब जो ये पेड़ देख रहे हो ना, इस पे चढ़ा करते थे हम, जामुन का पेड़ खाया करते थे एकदम मत से। ये आंगनबाड़ी है, यहाँ पे भी मैं पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं हॉस्टल गया था। तो चलिए बने रहिए पूजा करके, मिलते हैं आप लोग से। देखें हम कैसे नीपे, और यहाँ पे सूत का मतलब है गोबर से, मतलब ये नीपना, और उसी से सूत होता है ऐसा मानना है सबका। तो ढालो ढालो ढाजा में ढालो, जल पूरा मुंह करके इधर।
चाची बनाई पूड़ी सब्जी और इसको क्या बोलते हैं सेवई, ये मेरा फेवरेट भी है, बहुत अच्छा लगता है। और क्या खा लेते हैं और निकले, पूजा हो गया ही आप लोग देखे ही, तो खा के निकले हैं घर। और वहाँ से भाई हमको 3 बजे गाड़ी है मेरा, तो बस खा लेते हैं और जल्दी से निकलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये हमारी दादी माँ है, एक बार दो बार और देखे होंगे वीडियो में। और ये हमारी सबसे छोटी वाली बहन, तो अभी हम लोग पूजा कर लिए और अभी घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है और अभी राखी भी बनाना है और उसके बाद जाना है। अब लोग को पता ही है कहाँ पे, तो थोड़ा सा सीक्रेट है वो बात, मतलब ब्लॉग पे बने रहोगे तो पता चले जाएगा कहाँ जाने वाले हैं। खाइए ना दादी, बहुत अच्छी है। और हमारे पापा ये ब्लॉग देखते होंगे तो बहुत अभी हैप्पी होंगे। तो मम्मी खाना बना दी और देख सकते हो आप लोग कि क्या क्या बनाई है। और उधर भी खाना बन रहा है, उस साइड वहाँ पे गैस पे बनता है, यहाँ पे लाइन का चूल्हा से बनता है। ये क्या बना रही है मम्मी? ये फुलौड़ी बन रहा है, आई मीन भंजिया, देख सकते हो कितना अच्छे से। तो चलो मेरा गिफ्ट तो पता ही है कि हम दे दिए, तब क्या देना है ना। माता धो दिए बहन के फूसा। इस पैकेट में जितना भी निकाल ले, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जल्दी चलो सब निकाल ली क्या। चलो और बहन के लिए है, हमारा तो राखी बंद गया मेरे कलाई से। और कैसा लग रहा है? और एक बहन और है, जाओ पहन लो, जो मैंने गिफ्ट दिया है वो मैंने उसको वेयर करने बोला है, देखते हैं उस कपड़े में कैसी लगती है। तो बस थोड़ी देर रुक जाओ, बस इस तरह काजल। इसमें जितना निकाल लो, इसमें जितना निकाल लो तो मेरा हो गया। तुरंत के तो भगवान भी चले गए यार, ये क्या आवाज है।
तो मेरा रक्षाबंधन हो गया और ये राखी देख सकते हो। मम्मी को यही साड़ी गिफ्ट किए थे जो कि मम्मी पहन भी ली। तो कैसा लग रहा है ये साड़ी में हमें, आप लोग बताना कि कैसी लग रही है ये साड़ी में। और पहली बार कोई गिफ्ट करा गया ऐसा आप लोग की वजह से, तो थैंक यू सो मच। आप लोग को बोलना चाहिए और मैं बोलता भी हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। मम्मी भी बोल रही है थैंक यू, बोल दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मम्मी ये साड़ी में काफ़ी अच्छी लग रही है जैसा हमको लग रहा है, और अच्छी लग रही है ना मम्मी ये साड़ी? हाँ अच्छा लगता है। मम्मी को हिंदी नहीं आता लेकिन कोशिश करती है कि हिंदी में बात करे, तो काफ़ी अच्छी लग रही है ये साड़ी में। और साड़ी तो पहन ली, पहन ले ली ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी। अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा। तो बहुत आप लोग कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है प्लीज गाइस। तो ये हमारा फुल फैमिली देख सकते हो, ये हमारे बहन और ये छोटी वाली बहन, ये जैसा की लग रही है जैसे कि आप लोग को पता है। ये मेरा भाई, ये मम्मी और एक भाई और है जिसको नहीं दिखाए थे, और देख सकते हो यही कैमरा मैन है, मतलब कैमरा करता है हमारा। और ये क्या ही बताया, तो बोलो कुछ, कुछ नहीं बोलेगा। बोलो ना भाई, तुम्हारा नाम क्या है? गवाह हमारे भाई। और ये हमारा फैमिली है पूरा। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, जो नहीं किया हो वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक कर दो यार, और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय गाइस। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।